हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाइव मार्केट में फिर से एनालिसिस करेंगे कि मार्केट का मूवमेंट कैसा है, आईपीओ मार्केट ट्रेंड कैसा है और कहाँ पे स्टॉक में पैसा बनाने का मौका है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आप निफ्टी देखो तो निफ्टी जो है आज, देखिए ऐसा होता था कि मॉर्निंग में चलता था और जो है शाम होते होते जो है ये कूल ऑफ जाता था, लेकिन आज मार्केट सस्टेन कर रहा थोड़ा सा पॉजिटिव वे में। इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो आज आपको देख रहा है निफ्टी 51% ऊपर क्लोज कर रहा है, निफ्टी बैंक 1.66% ऊपर क्लोज कर रहा है और इंडिया विक्स कूल ऑफ हो रहा है, मतलब कि मार्केट को थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल रही है। इंडिया विक्स का कूल ऑफ होना स्टेबिलिटी देता है मार्केट को। तो निफ्टी का ये चार्ट है, निफ्टी के चार्ट को देखेंगे हम। तो जैसा हमने आपको बताया था कि निफ्टी जो है जब तक इस रेंज के ऊपर ऊपर जाता नहीं है तब तक इसमें जो है एक नीचे, ये अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है। यदि आप ट्रेंड वाइज एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करके देखें तो आपको ये यहाँ से गिर रहा था, एकदम आप देखने के एकदम कट टू कट जो है वही ट्रेंड लाइन पर रिवर्सल है। जैसे हमने आप नहीं देखा हो तो पहले वाला वीडियो देख लीजिए आप, तो हमने बताया था कि ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है उसी पे वाकई रिवर्सल ले रहा है। तो जब ये इसका हाई टूटेगा और इस चैनल के ऊपर जाएगा तो फिर एक एक जो है एक पॉजिटिव बायस आएगी और ऊपर जाएगा उसमें। चलिए एनीवे ऊपर क्लोज किया है, गुड साइन। ये हम टेक्निकल चार्ट पे देखें तो बंधा बैंड को चार्ट दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि उठने की कोशिश की है। निफ्टी बैंक तो हमने जो लेवल दिया था, जो हमने वो लेवल दिया था निफ्टी का लेवल दिया था कि निफ्टी जाएगा 17150 एंड 17225। तो निफ्टी की जो आज की क्लोजिंग है 17153, उसने हाई लगाया था 17213। आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी बैंक ने हाई लगाया 17213। तो हमारा जो दूसरा टारगेट था 17225 उसके आसपास क्लोज किया उसने, तो हिट मारा था। क्लोजिंग जो है 150 के आसपास कर रहा है निफ्टी बैंक जो है। निफ्टी बैंक पे हमने लेवल बताया था कि निफ्टी बैंक या आपका 36400 जा सकता है, तो निफ्टी बैंक जो है 36364, तो ऑलमोस्ट वहाँ तक हाई बना है। तो लेवल जो हमने दिया वो काम कर रहा है। आपको अच्छा लग रहा है जरूर लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ये हो गया, तो निफ्टी बैंक को देखेंगे निफ्टी बैंक में कैसा है। तो निफ्टी बैंक भी सिमिलर लाइन पे है, अभी भी जो है वो जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है उसके अंदर ही है। तो इसमें भी जो ये लेवल इसका जो हाई है पिछले कैंडल का हाई, और ये ट्रेंड लाइन ऊपर जाएगा तो एक डिसीजिव मूव आएगी, तब तक ये जो है वहां से रिवर्सल आ सकता है। ये हो गया निफ्टी निफ्टी बैंक। तो आगे का जो लेवल है मंडे मॉर्निंग, सॉरी नेक्स्ट मॉर्निंग जो है मैं आपको अपडेट कर दूंगा लेवल के साथ। चलिए आईपीओ मार्केट देख लेते हैं। आईपीओ मार्केट देखें तो जैसा हमने बताया था कि स्टार हेल्थ में सबड्यूड डिमांड था, तो आज देखेंगे किस तरह से डिमांड आ रहा था। आज भी जो है 0.5, मतलब कि ये जो दिख रहा है कि अंडर सब्सक्राइब ना हो जाइए जो है, तो आप लिस्टिंग गेन के लिए बिल्कुल अवॉइड कीजिए। लेना भी है, कंपनी अच्छी है लेकिन जो बिजनेस वॉलेटाइल है, तो आप उसको जो है खुलने के बाद जब प्राइस सेटलमेंट हो जाता है उसके बाद आपको जिस तरह से कंपनी के फंडामेंटल इंप्रूव होते हैं तो आप उसको लगा सकते हैं। चलिए जैसा हमने आपको बताया था कि तेगा इंडस्ट्रीज में ह्यूज सब्सक्रिप्शन आएगी, तो आप देखो कि इसका इसका दिखेगा कि आपको जो है पहले दिन जो है 3 से 3 टाइम सब्सक्राइब हो गया। तो आप नहीं लगाया है तो अभी भी लगा दीजिए, मौका है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है, बहुत लोगों को जो है गो कलर भी मिला है। मैं भी एक बार चेक कर लूँ गो कलर का। तो ठीक है, चलिए अभी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन काफी मैसेज आते हैं जो इनको मिल जाता है। तो आप जो है आप ये मत सोचो कि नहीं मिलेगा तो छोड़ देता हूँ, नहीं लगाता हूँ, पैसा ब्लॉक है, तो आप लगाओ, क्या मालूम अगला चांस आपका ही हो। ठीक है, तो आप जरूर लगाएं।
और आईपीओ लाइंड अप है, तो एक आईपीओ लाइंड अप है आनंद आरती का जो 2 दिसंबर को आ रहा है। तो आनंद आरती का जो है इस पर भी हम एक एनालिसिस करेंगे। अभी इन शॉर्ट आनंद आरती में जो जीएमपी दिख रहा है आपको वो 23% का दिख रहा है, तो ये कम ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन डिस्टिंग का लगा सकता है। फिर भी हम एनालिसिस करके थोड़ा सा और अच्छे से देख के इस पर हम बताएंगे आपको। चलिए अब स्टॉक की बात करते हैं, कौन कौन सा स्टॉक ट्रेंडिंग है आज। तो आप स्टॉक देखो तो स्टॉक में आपको दिखेगा कि एक स्टॉक गो कलर, तो गो कलर से हमने आपको बताया था कि गो कलर जो है स्टॉक चल सकता है। गो कलर जो है आज स्टॉक जो है आज स्टॉक ने एक मूव दिया है, ग्रीन क्लोज कर रहा है। हमने गो कलर्स में जो है जो लेवल हमने दिए हुए थे उसको मैंने अपडेट किया, तो आपको हमने 1196 पे आपको बताया था स्टॉक जो है आप लेने के लिए, 1300 1335, तो ये 1300 को आज क्रॉस कर गया। तो गो कलर में आप बुलिश रह सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टॉक जो है आज हमने एक स्टॉक रिकमेंड किया है बीएससी, तो आप बीएससी को देख सकते हैं कि बीएससी जो है ये 2 दिनों से ट्रेंडिंग है स्टॉक। तो बीएससी में आप जो है तो बीएससी का जो लेवल है बीएससी मिलता है 1725 से लेकर 1755 तक जा सकता है, तो आप उस पर नज़र बना कर रखिए। इसमें आप पोजीशन ले सकते हैं, क्लोजिंग वैसे भी ले सकते हैं बीएससी पे, ठीक है। एक हमने जो है एक दिव्यानी इंटरेस्ट पर हमने बनाया था, कल का वीडियो हमने बताया था कि दिव्यानी इंटरेस्ट जो है ट्रेंडिंग है, हमने बोला था 150 के ऊपर आप बाई कीजिए, तो दिव्यानी को भी हमने अपडेट किया है। तो दिव्यानी इंटरनेशनल जो है मिलता है 150 से 164 तक टारगेट जा सकता है। तो ये सब जो लेवल है आपको लाइव मार्केट मिल जाता है। अभी आप वीडियो में बना रहा हूँ, आप देखेंगे कब बाई करेंगे, तो आपको यदि चाहिए तो आप सर्विस ले सकते हैं। इसके यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको सर्विस का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। तो जो आप अपने प्रोफेशन बिजी हैं आपके पास टाइम नहीं है तो एनएलसी ले सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको आपको लेवल बताता हूँ, आप वहाँ से चैट भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद मुझे लगता है कि स्टॉक जो है केपीआईटी भी कल हमने बताया था, तो 525 का टारगेट दिया हुआ, तो वो भी अब ट्रेंडिंग है। नाइका भी जो है, नाइका को तो हमने बहुत पहले से अब नाइका को रिकमेंड करते आ रहे हैं, तो और नाइका जो है नाइका में भी आप पोजीशन बना सकते हैं, वो देख लेता हूँ नाइका को मैंने। तो नाइका में हमने जो है 2645 का टारगेट दिया हुआ, 2545, तो आज नाइका जो है नाइका ने क्लोज किया है 2493 पे, तो 2500 के आसपास नाइका आ चुका है, तो आप नाइका पे भी नजर रखिए, ये काफ़ी क्लोज है 2545 के। केआई इंडस्ट्रीज जो है, केआई इंडस्ट्रीज जो है ब्रेकआउट दे रहा है, तो केआई इंडस्ट्रीज को भी हमने स्टॉक को रिकमेंड किया था। तो केआई इंडस्ट्री को हमने जो है 1160 1225 के लिए हमने रिकमेंड किया हुआ था, तो ये स्टॉक हमारा कल ही रिकमेंड किया था, तो 1075 4 से वो स्टॉक जो है 4% ऊपर चला गया, 1147 पर आ गया है। तो हमारा जो लेवल था 1160 उसके काफ़ी क्लोज है वो। आईआरसीटीसी धीरे 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 चल रहा है, आईआरसीटीसी उस पर आप नजर रखिए, ये स्टॉक ट्रेडिंग में नहीं है, एकुमुलेशन के लिए है आईआरसीटीसी, तो कोई टेक्निकल मूव नहीं लेकिन आप इसको एकुमुलेट कर सकते हैं। तो ये सब जो है आप प्रीमियम सर्विस के लिए फ्रंट पेज पर आप फॉलो फ्रंट पेज सर्विस ले सकते हैं, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जो है आप जो है फ्री रिकमेंडेशन के टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे 2.90 सब्सक्राइबर्स हैं। और यदि आप सीखना चाहते हैं आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे जगदीश पेज के नाम से आपको मिल जाएगा, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। आपको सीखना है तो jagdisha.com विजिट कीजिए, वहाँ पे क्लासेस डिटेल मिल जाएंगी, और गूगल में हमारा क्लासेस का रिव्यू है, जगदीश स्टॉक में क्लास में कंसर्न सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, कोई स्टॉक से आप बेनिफिट हो रहे हैं वही बताएं, किसी स्टॉक में आप ट्रैप हो गए फंस गए हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी नजरिया है आप डाल दें, हम उस पर आंसर कर देंगे आपको। तो मतलब कि आप सेशन को इंटरेक्टिव बनाइए, जो भी आपका डाउट है इंस्टीट्यूट ऑफ हेयर एंड देयर आप यूट्यूब के कमेंट ऑप्शन डालिए, वहाँ पे मैं दिखता है कौन कौन से है, मैं भूल जाता हूँ फिर से आप कमेंट कीजिए, हम वहाँ पर आंसर करेंगे। चलिए अच्छा लगा तो फ्रेंड फैमिली को शेयर कीजिए, स्टे कनेक्टेड, हैप्पी ट्रेडिंग हैप्पी इन्वेस्टिंग।